कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज रिलेटेड टू ग्रामर एंड इस नेम इज प्रपोजिशन सो प्रपोजिशन आर द पार्ट ऑफ स्पीच दे शो अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड अ प्रोनाउन एंड अदर पार्ट ऑफ द इज

ऑल पोजीशन किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या है थिंग की क्या है उनके बीच में रिलेशन कैसा है उसको शो करने के लिए इनका यूज करते हैं सो हेयर इज सम समय पेरेंट्स आर इन साइड द मॉल द चाइल्ड इज सिटिंग ऑन द बेड मोमेंट के लिए प्रेपोजिशन कैन ऑल्सो टेल द मोमेंट ऑफ अ पर्सन और थिंग इन रिलेशन टू अदर द बर्ड्स फ्लू ओवर द क्लाउड्स द गर्ल जम्प्ड इन टू द रिवर Time ke liye? Preposition can also tell the time of action when something happens or the duration. School reopens on Friday. The train arrived at lunchtime. So, it is specific for time, means Friday, lunchtime is indicate the time. Sometimes preposition are not placed immediately before their objects, they can also be placed after the objects. That is the sofa she was standing on. She went through the hall and opened the door. तो यहाँ पर भी जो sometimes preposition किसके लिए use नहीं होती प्लेस के लिए यूज नहीं होती इमिडिएटली नहीं होती, होती बल्कि वो ऑब्जेक्ट से पहले लगती है जैसे कि हमने अभी example में देखा स्टैंडिंग ओपन डोर इस तरह से Preposition आर also used एज adverbs, adjectives and एंड कंजंक्शंस रामा हैज out. आउट एज एडवर्ब की तरह ये यूज हुआ है द आउटसाइड विंडो इज डी एज एडजेक्टिव डू नॉट गो टिलू सो एज कंजेक्शन की तरह इनको यूज किया गया है नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन दैट कंफ्यूज सम प्रपोजिशन आर यूज रॉन्गली बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टेंड देर मीनिंग हेयर आर सच प्रपोजिशन बिसाइड बिसाइड इन टाइम ऑन टाइम कई बार क्या करती है कंफ्यूज कर करती है ना कुछ प्रपोजिशन तो बिसाइड को कैसे यूज करते हैं बच्चो मीन्स बाय द साइड ऑफ और बिसाइड मीन्स इन एडिशन टू इन टाइम मीन्स नॉट लेट ऑन टाइम मीन्स एट द प्री और इन्स टाइम यूसेज ऑफ प्रपोजिशन लोकेशन एट टाइम

बिल्डिंग शी लिवस एट राट टेन एट वन सो कोई भी स्पेसिफिक है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं ओनली एट प्रेपोजिशन इन एंड ओन आर यूज टू टॉक अबाउट स्टेशनरी थिंग्स दैट बॉय इज इन द्लेन ही ऑन अटचर प्रेपोजिशन सिंस एंड फ्रॉम इंडिकेट अडम पास टू प्रेजेंट पास के लिए वी यूज सिंस एंड फ्रॉम वी हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस नाइनटीन नाइनटी वी सब लंच फ्रॉम वन टू थ्री प्रपोजिशन टू

So, स के अंदर हम तीन प्रशन का यूज कर रहे हैं इन जो है वो कैसे ऑन और एट तो एट जो है ऑन रेफर कर रहा है यहाँ पर सर्टेन डे के लिए और इन रेफर कर रहा है टाइम पीरियड के लिए शी वॉज बॉर्न एट वन पी एम वॉट टाइम ऑन ट्यूज डे सर्टेन डे इन दंथ ऑफ जून A time वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वन आर के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 1 आर के आर के लिए क्या किया गया है आयरन को बोरो करने की बात कही गई है इंडिकेट so करने के लिए होता है समथिंग द सर्टेन टाइम मीन एक कोई फिक्स टाइम है उससे पहले पहले वो चीज खत्म हो जानी चाहिए उसके लिए वी यूज बाय प्रपोजिशन ड्यूरिंग इज यूज वेन टू एक्शन टेक प्लेस सिमिलसली तो कैसे द रोड इज क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल मतलब वो एक्शन कब हो रहा है वो टेक प्लेस करता है किसी ड्यूरिंग मतलब उस दौरान पर क्या हुआ मतलब फेस्टिवल्स के दौरान क्या होता है क्राउडेड था वो प्रपोजिशन फ्रॉम टू रेफर टू अ स्टार्ट टिल फिनिश शेड्यूल पीरियड एट्सेट्रा द लाइब्रेरी इज ओपन फ्रॉम नाइन ओ क्लॉक टू सिक्स पी एम इन द इवनिंग मीन फ्रॉम कब स्टार्ट हुआ और कब वो एक्शन फिनिश हुआ है उसके लिए फ्रॉम देन टू का यूज करते हैं बिफोर द टाइम Preposition till and until indicates that something has come to its end or will end soon. We watch the match until midnight. Sit there till your uncle comes. So next is words followed by preposition. तो कौन कौन से हैं सर्टेन प्रपोजिशंस आर ऑलवेज यूज अलोंग विद सम वर्ड्स एज देयर आर नो स्पेसिफिक जनरल रूल्स फॉर दीज कॉम्बिनेशन वी शुड लर्न देयर यूसेज थ्रू प्रैक्टिस सम सच एग्जाम्पल आर एज फॉलोज यहाँ पर नाउन प्रपोजिशन के बारे में वर्क प्रोपोजिशन के बारे में और एडजेक्टिव प्रपोजिशन के बारे में बताया गया है तो नाउन के बेस पर है कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन टू कॉज ऑफ डेंजर ऑफ प्राइज ऑफ यहाँ वर्क के बेस पर एडेप डिपेंड ऑन एक्यूज ऑफ अग्री टू डिवाइड बिटवीन एडजेक्टिव प्रपोजिशन के बेस पर से फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल फॉर सरप्राइज डेट इन्फेक्टेड विद वेल नॉन फॉर सो so, ये आपकी थोड़ी सी छोटे से एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के बेस पर कैसे डिफ्रेंशिएट करके वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो इस चैप्टर को थ्रू आउट दोबारा से करेंगे अच्छे से रीड आउट करेंगे और समझेंगे ओके सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स